हाय गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कल हमारा मार्केट गैप अप खुल सकता है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जानने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक्सपायरी का बेस्ट स्ट्रैटेजी बताया है। इसी के साथ मैंने तीन स्टॉक्स डिस्कस किए हैं जो कि वेल परफॉर्म करने वाले हैं थर्सडे के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए वीडियो देखने से पहले, सो दैट वी कैन गेट मोटिवेशन। सो हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखिए, नो डाउट मैंने कल आपको बाइंग के लिए बताया था कि भाई बाइंग होगी, लेकिन अब भाई रात को यूएस मार्केट इतना गिरावट हमको दिखाया कि आज गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट। अच्छा, अब सुनिए, अब ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है यूएस फ्यूचर, ये 250 पॉइंट ऊपर है, ये 390 पॉइंट ऊपर थे अभी। यानी आज के जो यूएस मार्केट ओपन होंगे वो गैप अप ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तेजी देखने को मिल सकती है, तो कल हमारे मार्केट में भी तेजी देखने को मिल सकती है एज पर दिस सिनेरियो। कल हमारा जो बैंक निफ्टी है, देखो बाइंग कब करेंगे, क्या आपको एक बार बार रेजिस्टेंस दिख पा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये कल लगने वाला है चौथा। कल 36,300 के ऊपर अगर को बैंक निफ्टी दिखता है 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन करता है, वी कैन गो फॉर बाय। कितने के टारगेट के लिए? 36,500 एंड 36,700 के टारगेट के लिए। अंडरस्टूड? क्योंकि देखो यही एक रेजिस्टेंस है जो कि बार बार फेस कर रहा है। अगर ये टूट गया ना, तो लिटरली बता रहा हूं 37,000 के टारगेट हमको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर 36,300 टूटता है तो मैं सलाह दूंगा कल वाली एक्सपायरी का जीरो टू हीरो 36,200 का या तो 36,100 का कॉल ऑप्शन लेके चलना अप्रैल वाली एक्सपायरी का। ठीक है, बढ़िया, डबल से ट्रिपल हो सकता है अगर बैंक निफ्टी में मोमेंटम आता है तो। ये तो हो गया बाइंग साइड। देखो सेलिंग साइड में बता रहा हूं, क्योंकि गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद अगर सस्टेन करता है तो, की मैंने बात बताया। ठीक है, अब अगर 36,300 के नीचे यानी यही रेजिस्टेंस के नीचे लगातार हमको बनते हुए दिखता है तो डोंट वरी, मैं हूं आपके लिए, मैं पुट ऑप्शन दे दूंगा नीचे के, आराम से हमको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं पुट ऑप्शन 36,500 का देने वाला हूं कल वाली एक्सपायरी का, ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, ये है, क्योंकि भाई देखो मैं दोनों साइड चलता हूं, ऊपर गया तो बाय, नीचे गया तो पुट ऑप्शन, सिंपल सी बात। हमको ज्यादा एक नहीं होकर चलना कि नहीं तो भाई तेजी है तो तेजी है, मंदी है तो मंदी है, दिस इज नॉट द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग ट्रेडिंग। तो हम बिल्कुल ख्याल रख के चलेंगे 36,300 का मेक एंड ब्रेक लेवल। आई होप समझ चुके हैं आप बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी फॉर एक्सपायरी। चलिए, अच्छा मैं अगर आपको डेली का चार्ट दिखाऊं ना, तो देखो भाई डेली के चार्ट पे एक संकेत देखे गया है, काइंड ऑफ बुलिश हैमर, भयंकर गिरावट देखने को मिली थी लेकिन कवर करके गया है, तो होप सो, क्या पता तेजी हमको देखने को मिले। बाकी डोंट वरी, आपका भाई यानी प्रभात आपको बता देगा अगर आपको पुट ऑप्शन लेना होगा तो। चलिए जानते हैं निफ्टी का व्यू। देखो भाई निफ्टी क्या है, निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है और सस्टेन करता है कितने के ऊपर, ये देखो रेजिस्टेंस देख पा रहे हो बार बार, इसी के ऊपर ये जा ही नहीं पाता है ऊपर। ठीक है कि नहीं, ये कितना है आपका, ये है 17,150, हमको फ्रेश बाय करके चलना है 17,150 के ऊपर। टारगेट वन हो जाएगा 17,250 का हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये रणनीति है निफ्टी में, क्योंकि ये 18 तारीख से चला आ रहा है, मैं आपको बता दूं 18 तारीख से, और ये हर बार हर्डल बना हुआ है। अगर ये टूटता है तो हमको 17,500 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं कमिंग मंथ में। तो ये रणनीति हमारी निफ्टी की, राइट। देखो इसके बीच मैं तो आपको सलाह नहीं दूंगा काम करने का, क्योंकि भाई फंस सकते हैं आप लोग। हाँ, 17,150 के नीचे अगर मेरे को लगातार बनते हुए दिखता है तो मैं एक पुट ऑप्शन दे दूंगा, अगर ये जैसे मान लो ऐसे रेंज बना के अगर टूटता है तो मैं एक पुट ऑप्शन दे दूंगा नीचे के लिए। ठीक है, तो 17,150 मेक एंड ब्रेक लेवल है, रेडी हो जाइए बस आप। अगर मैं आपको वन डे का चार्ट दिखाऊं निफ्टी का, देखो ना यार ये हर बार यहां पे सपोर्ट कर रहा है, होप सो ये बस तोड़ेगा ऊपर साइड, ऐसा लग रहा है, बाकी अब देखते हैं। तो ये है रणनीति हमारी कल के लिए, मैंने आपको बता दिया तेजी के लिए, लेकिन मैंने मंदी के लिए भी आपको बताया, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या पता भाई हम तेजी में है मंदी हो गई, तो मंदी के लिए भी वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम पब्लिक चैनल पे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाओ और मैं आपको कल पुट ऑप्शन बता दूंगा अगर मेरे को सेटअप बनते हुए दिखता है तो, राइट ना। हम चलते हैं अपने स्टॉक्स पे, जो पहला स्टॉक है उसका नाम है जिंदल स्टील, बाय करके चलना। लॉजिक देखो, बॉक्स पैटर्न था, डब्लू पैटर्न था, ब्रेकआउट हुआ ऊपर गया, रिट्रेसमेंट करके अब अगेन से ऊपर जाने को रेडी हो चुका है, गॉट इट ना। नाउ 10 मिनट के चार्ट पे आ जाओ भाई, अब 10 मिनट के चार्ट पे बाय करके चलना। देखो ये तो बॉक्स पैटर्न टूट गया
ना, हमको बाय करके चलना डे हाई के ऊपर, यानी 542, ठीक है, बाय अबव 542 के ऊपर टारगेट वन होगा हमारा 549 का, सेकेंड टारगेट वुड बी 555 का, ये होगा दो टारगेट जिंदल स्टील में, एसएल 538 का आप रख लीजिएगा। जानते हैं सेकेंड स्टॉक, सेकेंड स्टॉक जाने से पहले, हाय गाइस, इफ यू आर अ ट्रेडर हु इज लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट एंड आप उस पैसे को रिकवर करना चाहते हैं, सो गाइस आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स, जहां पे हम आपको इंट्राडे शॉर्ट टर्म पोजिशनल स्विंग लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सिखाते हैं। सो गाइज इफ यू वॉन्ट टू रियली रिकवर योर लॉस एंड वॉन्ट टू बिकम प्रो इन ट्रेडिंग, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। आप इस नंबर पे हमको कॉन्टेक्ट करके क्वायरी कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों 30 ऑफ अप्रैल को हमारा एडवांस ऑप्शंस ट्रेडिंग बैच और कंप्लीट स्टॉक मार्केट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। कंप्लीट स्टॉक मार्केट में मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल का स्टॉक मार्केट सिखाने वाला हूं। लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड डेज, केवल 3 डेज लेफ्ट हैं। तो दोस्तों आप जल्द जल्द अपनी सीट बुक करवाइए इस दिए गए नंबर पे। नेक्स्ट स्टॉक है बीबीटीसी, बाय करके चलना है बीबीटीसी को, ठीक है। लॉजिक देखो आप, ये बॉक्स पैटर्न था, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और कल भी एक फॉलो थ्रू बाई हमें देखने को मिल सकती है, राइट। अब नाउ व्हाट वी नीड टू डू इट, लेट मी शो यू, हमको बाय करके चलना है इफ दिस हैपेंस। ऐसे नहीं कि बीच में बाय कर ली आपने, फंस सकते हैं आप, ठीक है। तो बाय करके चलना है 1100 के ऊपर, बिकॉज 1100 क्या बताइए, जो साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1090, टारगेट वन होगा 1125, टारगेट सेकंड वुड बी 1140 कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा टारगेट कर लेते हैं क्योंकि स्टॉक वोलेटाइल है, ठीक है। ये होगा हमारा दो टारगेट। चलिए लास्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस, बाय करके चलना है। आज मैंने रिलायंस को आपको बीटीएसटी के लिए दिया दोस्तों, ठीक है। लॉजिक देख लेते हैं वन डे के चार्ट पे, राइट। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये लॉजिक था, ब्रेकआउट हुआ था, रिट्रेसमेंट किया, नाउ रेडी टू गो अप अगेन। और दोस्तों इसका मैं आपको एसएल टारगेट अपडेट कर दूंगा कल हमारे टेलीग्राम चैनल में, और पब्लिक चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल में था तो मैं आपको ट्रेड दे नहीं पाया, बस एक रिलायंस का ट्रेड दिया था जो कि हल्का फुल्का ऊपर गया और आज कुछ ट्रेड नहीं आए। तो कल मैं आपको जबरदस्त बढ़िया वाला ट्रेड देने वाला हूं, ठीक है। मैं कल भी जाऊंगा हॉस्पिटल, बट लेट जाऊंगा, ट्रेड दे के जाऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो यहां तक देखी है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा कल। नमस्कार, जय हिंद।